हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 साइज का बैकनेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमें लेना है टोटल लंबाई, तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 4.25 इंच। इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। इस तरीके से चेस्ट की लाइन ड्रॉ करने के बाद 0.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और तिरछी लाइन बनाएंगे आर्म होल्स तरफ से। ये हमें बैक पार्ट में करनी होती है डीप नेक में। बाहर वाली लाइन से 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर है 34 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने बैक पार्ट को कट करना है और मेन कपड़े पर रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। मेन कपड़े पर कट करने के बाद अब लेना है हमें गले की चौड़ाई। अगर आप छोटे साइज में बना रहे हैं तो 2 इंच लीजिएगा, बड़े साइज में बना रहे हैं तो 2.5 इंच आपको नेक की चौड़ाई रखनी है। नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। गले के लिए एक मार्किंग मैंने 9.5 इंच पर करी है और एक मार्किंग 12 इंच पर करी है लेंथ में। इसके बाद आपको नीचे से नेक विड्थ रखनी है, 3 से 3.5 इंच आप ले सकते हैं, मैंने 3.5 इंच लिया है। इस तरीके से हमने एक चौकोर बॉक्स जैसा यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद हमें 5 शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें गले का जो मार्किंग है वो कर लेना है। ये देखिए, नीचे की तरफ इसे शेप दे देंगे और अच्छे से इसकी मार्किंग कर लेंगे। गले को मार्क करने के बाद हमने एक पैटर्न यहाँ पर भी बनाना है, तो इसका मार्किंग हमने इस तरीके से कर लेना है। पैटर्न की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद मैं इसे कर रही हूँ कटिंग। तो इस तरीके से अब हम इसे कट करेंगे। इस पैटर्न को भी कटिंग करके निकाल देंगे। तो गला हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब हमें यहाँ पर बीच वाला जो पैटर्न है उसे बढ़ाकर कटिंग करना है। तो अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस पैटर्न की मार्किंग कर लेंगे। तो अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग लगाना चाहते हैं तो पेपर पेस्टिंग अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप इस डिज़ाइन को बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं। तो इसमें हमें प्लेट्स बनानी होंगी, तो साइड से मैं इतना फैब्रिक अलग निकाल रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। अब इसके साथ मैंने पेपर पेस्टिंग और अस्तर का कपड़ा दोनों यहाँ पर रख लिए हैं। पेपर पेस्टिंग को भी कटिंग करके साथ में इसे साइड में रख लेंगे। अब हमने मेन वाला जो हमारा नेक है उसके लिए भी मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है। तो पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्किंग हमने अच्छे से करनी है क्योंकि पेपर पेस्टिंग हमारा बाहर की तरफ दिखेगा। बाहर की तरफ से 1 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, 1 से 1.5 इंच। आप जितना आप ब्रॉड रखना चाहें पट्टी को आप उतना रख सकते हैं। मैंने 1 इंच पर यहाँ पर मार्किंग किया है। एज इट इज़ पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे और अंदर से भी एज इट इज़ कट करेंगे और इसे हमें अटैच करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। अस्तर के ऊपर अटैच नहीं करना है क्योंकि पट्टी हमारी बाहर की तरफ आएगी। तो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है मैंने यहाँ पर, देखिए मैरून कलर में, और इस पैटर्न को आपको इस तरीके से रखना है। पेपर पेस्टिंग को बीच में ज़रूर रखिएगा, इससे आपकी नेक की विड्थ बराबर से रहेगी और अच्छे से इसे पिन कर देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद इसे अटैच करेंगे कपड़े के ऊपर। तो मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो प्रेस के साथ भी इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। एक इस कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे और एक दूसरे कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हमने पेपर पेस्टिंग पे सिलाई लगा ली है, इसे साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक लेंगे।
अस्तर के कपड़े के साथ इसके नीचे कमर की फिनिशिंग कर देंगे। तो आप चाहें तो बाद में नीचे कमर पट्टी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, इसके बाद अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए एक सिलाई अस्तर के कपड़े पर लगाएंगे। फिर हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर फिनिशिंग के साथ। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, अब हमें अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है और साइड से सिलाई लगा देनी है। पहले हमने नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। गले पर सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब देखिए एक तरफ से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर देना है। अच्छे से मैंने इस पैटर्न को देखिए यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसे अटैच करना है, तो आपको यहाँ पर सेंटर पर रखना है इसे और सेंटर से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाकर हमने इसे अटैच करना है। ये देखिए मैंने एक तरफ से अटैच कर दिया है, इसके बाद हमने दूसरी तरफ से भी इसे इसी तरीके से अटैच कर देना है। दूसरी तरफ से भी मैंने अटैच कर दिया है सेंटर में और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। सेंटर में कट अच्छे से लगाइएगा। इसके बाद कट लगाने के बाद देखिए इस पैटर्न को हमने फोल्ड करना है, तो इसे पलट के हमने सीधी तरफ कर लेना है। अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर देंगे, आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। प्रेस लगाने से गला आपका एकदम बैठ जाएगा बराबर से। और अच्छे से अब हम कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ। मैंने अभी यहाँ पर धागा चेंज नहीं किया है, वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि इसके एक तरफ पाइपिंग आएगी और एक तरफ यहाँ पर हम लेस अटैच करेंगे। तो देखिए गले की एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है और ये पैटर्न इस तरीके से आ जाएगा। अच्छे से हाथों से इसे फिनिशिंग दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, पाइपिंग लगानी है एक तरफ। तो पाइपिंग लगाने के लिए 1.5 इंच की चौड़ाई में आपको कपड़े को कट करना है। तो तिरछी पट्टियाँ मैंने यहाँ पर कट की है और इन्हें इस तरीके से अटैच कर लेना है। क्रॉस पट्टी है ये। इसके बाद हमें इसे एक तरफ से फोल्ड करना है, तो इस तरीके से एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे और इस पट्टी को भी साइड में रख लेंगे। अभी हमने दूसरा डिज़ाइन तैयार करना है, तो ये जो सेंटर वाला डिज़ाइन रहेगा इसके साथ हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है। तो चारों तरफ से सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देंगे। जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। इसके बाद हमने डिज़ाइन के लिए फैब्रिक पे प्लेट्स डालनी है, तो सेंटर से आप इस तरीके से प्लेट्स बना लें छोटी छोटी। कपड़े को थोड़ा ज़्यादा भरते हुए हमने यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है। आप चाहें तो और बड़ा कपड़ा लेके और सारे गेदर्स यहाँ पर ले सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ से हमने इसे बराबर कर लेना है और इस तरीके से जमाते हुए प्लेट्स लगा देनी है। अगर आप सेम कपड़ा नहीं लेना चाहें या नहीं होता है तो दूसरे कलर में भी आप ले सकते हैं।
जो भी आपके साड़ी में या ब्लाउज में कलर होता है, साड़ी का जो बॉर्डर होता है आप उसका मैचिंग में भी ले सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। इसके बाद हमने इसे सेंटर से रखना है और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। शेप जैसा कटा हुआ है उसी तरीके से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कर देंगे कट, सेंटर में एक कट लगा लेंगे। पैटर्न को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने पैटर्न को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब मैं लगा रही हूँ बाहर की तरफ से सिलाई, तो बाहर से भी इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर भी मैं पाइपिंग अटैच करूँगी, तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए ये जो गले के बीच का फैब्रिक निकला था इसी की हमने क्रॉस पट्टियाँ कट कर लेनी है। देखिए पैटर्न को उल्टा रखेंगे और नीचे पट्टी को सीधा रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर देंगे। अब हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा देनी है पाइपिंग निकालते हुए। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो जाएगा ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए। ये देखिए पाइपिंग लगा ली है। अब मैं यहाँ पर नेक पे भी पाइपिंग लगानी है, तो उसी तरीके से पाइपिंग यहाँ पर लगाएंगे। नीचे नेक का जो नीचे पट्टी को सीधा रखेंगे और ऊपर नेक को उल्टा रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई आपको देखिए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन जो होता है उसे उससे भी कम कवर करते हुए आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आप जितना मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे उतनी ही मोटी आपकी पाइपिंग निकलेगी। तो आप जितना कम सिलाई लगाएंगे उतनी पतली पाइपिंग निकलेगी। एकदम कॉर्नर की भी नहीं लगानी है ताकि ऐसा ना हो कि हमारा कपड़ा सिरक जाए। आपको उस तरीके से सिलाई लगानी होती है। ये पाइपिंग अगर आप लोगों को नहीं आती है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और पेस्टिंग वाले फैब्रिक पे ये बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ लग जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लेना है पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। पाइपिंग लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अच्छे से हाथों से फिनिशिंग दे देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका जो सेंटर वाला पैटर्न है उसे अटैच कर लेंगे। तो अच्छे से सेंटर में इसे रखेंगे और पिन के साथ पहले इसे अटैच करेंगे अच्छे से बराबर रखते हुए। अब हमने सिलाई लगा देनी है, तो एक कॉर्नर की सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर ना आए, पाइपिंग के एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये पैटर्न मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, बाहर की तरफ लेस लगाएंगे। तो बाहर वाला जो नेक है वहाँ पर हमने लेस को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से बाहर वाले नेक पर हमने इस तरीके से लेस लगा लेनी है। जहाँ पर शेप दिया हुआ है वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स डालेंगे और शेप देते हुए लेस को घुमाते हुए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नीचे की तरफ कमर में प्लेट्स लगाऊंगी। तो सेंटर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगी। दोनों ही तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है 4 इंच की लेंथ में। इसके बाद अब हमें नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए मैं बाद में लेस अटैच करूँगी नीचे कमर की तरफ। अब मैं लगा रही हूँ लटकन। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी ली है और उसी के साथ में देखिए लटकन बना रही हूँ। तो कुछ नहीं करना है, आपको चौकोर कपड़े लेने हैं, ट्रायंगल में इसे फोल्ड कर देना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है डोरी को बीच में रखते हुए। तो सुंदर लटकन आपकी तैयार हो जाएगी सेम फैब्रिक की। ये देखिए इस तरीके से दूसरी लटकन भी हमने इसी तरीके से रेडी करनी है। लटकन तैयार कर ली है और अब हम इसे अपने ब्लाउज पर अटैच कर देंगे। तो ऊपर से 1.5 इंच का गेप छोड़ते हुए आपको
लटकन को यहाँ पर लगा लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लटकन को लगा लेंगे अच्छे से पका करते हुए। ये देखिए, और नीचे कमर पे भी मैंने लेस अटैच कर दी है। तो ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।